मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. वेलकम टू टी एस एन स्कूल क्लास 12th चैप्टर 4th पार्ट 2nd. ओके, कल हमने कुछ डिवाइसेस की थी जिनके थ्रू हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसके बारे में कल हमने पढ़ा था कुछ टेक्निक्स के बारे में. ओके, तो ए और बी टेक्निक हमने पढ़ लिए थे, नेचुरल बैरियर्स, और बी आपके था बैरियर्स मेथड, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड और बैरियर्स के बारे में पढ़ा था. अब थर्ड जो है वो हम पढ़ेंगे IUDs, है ना. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूरेटाइन डिवाइसेस. तो इंस्टेड बाय डॉक्टर सॉरी इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इनटू यूट्रस थ्रू वेजिना. इट मीन्स ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के थ्रू या एक्सपर्ट नर्सेज के थ्रू वेजिना के थ्रू यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड IDUs. नॉन मेडिकेटेड IDUs में क्या है, इसका एग्जाम्पल दिया है लिपर लूप्स. ओके, नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग IDUs. जो कॉपर रिलीज करने वाले IDUs हैं उनमें आता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. ओके, नेक्स्ट इज कॉपर रिलीज. कॉपर क्या वर्क कर या क्या वर्क कर रहा है? कॉपर रिलीज्ड आयंस. ये कॉपर के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म की जो फर्टिलिटी होती है उसको या कैपेसिटी होती है उसको ये प्रिवेंट कर देते हैं. इट मीन्स कॉपर रिलीज्ड आयंस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, है ना. इसकी स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको ये प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं या सप्रेस कर देते हैं. हार्मोन रियलाइजिंग IUDs, जो हार्मोन रिलीज करते हैं ऐसे IUDs कौन से हैं, इसमें आते हैं प्रोजेस्टेसन, एक तो प्रोजेस्टेंस और दूसरा आता है LNG20. ये टू इसके टेक्निक्स हैं. ओके, मेक यूट्रस अनसुटेबल. ये क्या वर्क कर रहे हैं, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म. यानी एक तो ये क्या कर रहे हैं कि यूट्रस जो होता है उसको अनसुटेबल कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और दूसरा ये जो स्पर्म्स सर्विक्स में एंटर कर रहे हैं और अंदर आगे ग्रो कर रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं उस टेक्निक को ये रोक देते हैं. नेक्स्ट डिवाइस इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ओरल इसको हम नॉर्मली अगर हम चाहें तो कुछ पिल्सेस होती हैं जिसको ओरली हम लोग लेते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टोन और प्रोजेस्टोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. इसमें हम टू टेक्निक्स मतलब टू हार्मोन्स को या पिल्स को हम एंटर करवाते हैं हमारी बॉडी में. पिल्स के थ्रू क्या क्या है, एक तो प्रोजेस्टोन को या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को. और नेक्स्ट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. इसको टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, प्रॉपरली कॉल्ड पिल्स, जिसको हम पिल्सेस कहते हैं. टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 days तक, यानी कि इसको हमें डेली लेनी पड़ती है पीरियड से 21 days के अंदर तक. ओके, यानी जहाँ से पीरियड स्टार्ट हुआ है वहाँ से 21 days तक इसको कंटिन्यू डेली लेनी पड़ती है. द इनिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म. ये क्या काम करता है, एक तो ओव्यूलेशन को रोक देता है और दूसरा क्या कर रहा है, इम्प्लांटेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए जो सर्विकल म्यूकस जो होता है यानी कि स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है उसको रिटार्ड कर देता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाता. नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल. इंजेक्टेबल में हम ये बताएंगे कि प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेला ही या फिर इसका जो एस्ट्रोजन के साथ जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं बाय फीमेल एज इंजेक्शन ऑफ इम्प्लांटेड अंडर द स्किन. या तो हम क्या करते हैं, इसको फीमेल में इंजेक्ट करते हैं या फिर इसकी स्किन के थ्रू हम इसको इंजेक्ट इम्प्लांट करते हैं. नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड कौन से हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, इसको हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं. स्टराइल होना मतलब स्पर्म या फिर ओवम की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो
खत्म कर देना, एंड कर देना उसको. ओके, सर्जिकल इन्वेंटेशंस ब्लॉक्स गैमेट्स ट्रांसपोर्टेड एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. इट मींस क्या हुआ कि जो सर्जिकल इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं गैमेट्स का बनना. गैमेट्स बन रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो, या फिर ट्रांसपोर्ट भी अगर हो रहा है तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आगे जाकर इम्प्लांटेशन कर पाए. ओके, अब इसमें आता है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल. अब मेल में जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है, और स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी. तो मेल में जो होता है इन वैसेक्टोमी, ए स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस इज रिमूव्ड. वासा डिफरेंस का छोटा सा पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं और टाइड अप, या फिर उसको टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते. ओके, एंड सेकंड इज इन टबेक्टम, यानी फीमेल्स में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव. फेलोपियन टाइप ट्यूब का थोड़ा सा पार्ट को हम या तो रिमूव कर देते हैं या फिर हम क्या करते हैं इसको वेजिना के थ्रू हम एब्डोमेन के पार्ट को थोड़ा सा टाइड अप कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रांस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अभी आगे क्या है इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल ट्रांसमिनेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट मीन्स अगर आपके पास, आप नहीं चाहते हैं बेबी को आगे या एम्ब्रियो को आगे डेवलपमेंट होने के लिए, ये या तो इनवॉलेंट्री हो सकता है या वॉलेंट्री हो सकता है, मीन्स हमारी इच्छा से हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अनवॉन्टेड एम्ब्रियो जो डेवलप हो गया है उसको जब हम टर्मिनेट करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, लीगलाइज्ड इन 1971, इसको 1971 में लीगलाइज्ड किया गया और रोका गया, प्रिवेंट मिसयूज, इसके मिसयूज को रोका गया. MTP इज यूज्ड टू, अब हम कहां पर इसको यूज कर रहे हैं, गेट रिड द अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर टू कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड और रेप्स, यानी हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, या तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाता है तब, या फिर कोई रेप केसेस होते हैं जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन कुड बी हार्मफुल, या फिर अगर प्रेगनेंट हैं, कोई भी फीमेल प्रेगनेंट है लेकिन वो इसके लिए हार्मफुल है आगे जाने, मतलब जो फीटल का जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए, या तो फीटल के लिए या फिर मदर के लिए, दोनों के लिए ही अगर हार्मफुल है तो फिर हम उसको MTP करवा सकते हैं. ओके, MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम किसको कहा, हमने किसको कहा था, 12 वीक्स तक. अगर 12 वीक्स तक हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं तो वो सेफ रहता है, लेकिन उसके बाद फिर आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. ओके, मिसयूज ऑफ MTPs, इसका मिसयूज क्या है कि MTPs मिसयूज टू अबॉर्ट फीमेल फाइटर्स, यानी कहने का मतलब कई बार इसका मिसयूज भी हो जाता है जिसमें क्या होता है, अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उससे क्या होता है कि कई लोग उसको अबॉर्ट करवा देते हैं. नेक्स्ट है, इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट हो रहा है किसके थ्रू, सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सम कॉमन कॉमन इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियोसिस, जेनिटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस बी एंड ए, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं. एक्सेप्ट जेनिटल हर्पीस, इसके अलावा, ये केवल इसके जेनिटल हर्पीस के अलावा HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर कम्प्लीटली क्योरेबल, यानी ये ज़्यादा क्योरेबल हैं. इफ डिटेक्टेड, अगर इनको हम डिटेक्ट करवा दें अर्लियर टाइम पर, तो फिर आगे
आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर अर्ली डिटेक्शन, ताकि आप इसको जल्दी ही डिटेक्ट कर पाएँ एंड गेट कम्प्लीट ट्रीटमेंट इफ दैट मैटर्स। अगर आपको पूरा की पूरा ट्रीटमेंट लें। फिर नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी द कपल विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन आर कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि स्पर्म्स या फिर ओवम्स का इनफर्टाइल होना, मीन्स उनमें ये कैपेसिटी नहीं होना कि वो फर्टिलाइज हो सकें और इम्प्लांटेशन कर सकें। ओके, इनफर्टाइल कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रंस थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। अब अगर मान लीजिए इनफर्टाइल है दोनों में से कोई भी एक मेल या फीमेल, तो वो कुछ आर्टिफिशियल ऐसी टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है जिसके थ्रू इम्प्लांटेशन हो सके। उन्हें हम क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ओके, इसमें फर्स्ट आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IVF। IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये जो होता है फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है लेबोरेटरीज़ में, और फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की बॉडी में। द ओवम फ्रॉम वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फर्टिलाइज्ड इन लेबोरेटरी। यानी या तो वाइफ या डोनर या फिर हस्बैंड या डोनर के स्पर्म और ओवम लेकर फर्टिलाइज किया जाता है लेबोरेटरी में, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो जो हो रहा है उसको फीमेल में इंजेक्ट किया जाता है। अब इसके कुछ मेथड है, फर्स्ट इज ज़िफ्ट। ज़िफ्ट मींस ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, इस टेक्निक में क्या करते हैं, द ज़ाइगोट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, जो ज़ाइगोट बना उसको अर्ली एम्ब्रियो कंडीशन में यानी 8 ब्लास्टोमियर्स में ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफर्ड इनटू अ फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकंड इज IUT इंट्रा यूट्रेनाइ ट्रांसफ़र, यूरेटाइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जब एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू यूट्रस में और टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट, और आगे उसके जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो सके। ओके, नेक्स्ट इज गिफ्ट में क्या है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब एंड अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट एंड फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट। इट मीन्स क्या करते हैं, इसमें हम ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं किसी एक डोनर से, और फिर उसके बाद दूसरे जो भी फीमेल है उसकी फेलोपियन ट्यूब में हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको सूटेबल एनवायरनमेंट जैसे ही मिलता है वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन दिस प्रोसीजर एंड एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम। यानी लेबोरेटरी में क्या करते हैं, ओवम में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं और फिर एम्ब्रियो जो बनता है उसको फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, इस टेक्निक में, इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजिना इनटू द यूट्रस और द ऑफ द फीमेल। इट मींस या तो डोनर कोई है वो या फिर जो हस्बैंड है उसका सीमन क्या करते हैं, सीमन को हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेजिना के थ्रू यूट्रस में, और फिर उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके बेटा, ये चैप्टर आज यहीं पे फिनिश होता है। इसके MCQs मैं नेक्स्ट आपको जो भी PDF है उसमें प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, ओके।